स्ट्रेस के लिए क्या करें? कितने लोगों के मन में आता है कि भाई टेंशन बहुत है, क्या करें, ये टेंशन है। देखो, टेंशन के लिए जो मैं आपको एक चीज कहूंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप ये सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं वो करने की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कुछ अच्छा ही होगा, तब कोई स्ट्रेस है? तब नहीं है। तो करना क्या है, बजाय ये सोचने के कि जो मैं करने वाला हूं उसकी वजह से क्या होगा, जो गीता में भी लिखा है कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप फल की परवाह करोगे, मतलब ये टेंशन लोगे कि जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से क्या होने वाला है, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे। जब आप ध्यान दोगे अपने कर्मों पे कि जो होगा देखा जाएगा, यार मैं ना सक्सेसफुल होने के लिए कर रहा हूं ना फेल होने के लिए कर रहा हूं, फेल हो गया तो मैं डरता नहीं, कोई परवाह नहीं है, देखा जाएगा, कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, दोबारा शुरुआत करूंगा नए सिरे से। प्रॉब्लम क्या है? और आपका ध्यान होगा अपने कर्मों पे, मतलब जो आप कर रहे हो उस पे जब आपका पूरा ध्यान होगा तो टेंशन नाम की कोई जगह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आज यहां पर सपोज कुछ हजार लोग बैठे हुए हैं, आज यहां लाखों लोग भी बैठे हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं है कि यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसकी वजह से ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। अगर मैं वो सोचने लग गया कि ये मेरा सेशन फेल हो गया तो क्या होगा, तो मैं सेशन कर ही नहीं सकता। मेरा ध्यान है जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर, और जो मैं सुन करके आपको जवाब दे रहा हूं उसके ऊपर, बाकी सारी दुनिया गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल तो फेल, सक्सेस तो सक्सेस, इसलिए कोई डर नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है।